आज यानी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है, लेकिन ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज ही के दिन बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला का जन्म हुआ था। उनकी मौत को 55 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी मुस्कान आज भी लोगों को मुस्कुराने का मौका देती है। मधुबाला की एक मुस्कान लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती थी, लेकिन खुद उनकी जिंदगी तन्हाई और गम के साये में बीती। एक जमाने में मधुबाला का गाना जब प्यार किया तो डरना क्या लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। मधुबाला का असली नाम मुमताज था। 11 भाई बहनों वाले परिवार की वो इकलौती कमाने वाली थी। लाहौर में उनके पिता की नौकरी छूटी तो पूरा परिवार लेकर मुंबई आ गए और मधुबाला के कमजोर कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ गई। छोटी सी मधुबाला अपने वालदैन के साथ मुंबई के तमाम स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगी। बताया जाता है कि उन्हें कई रात सड़कों पर भी बितानी पड़ी। पिता की आज्ञाकारी बेटी बिना सवाल किए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। काम की वजह से कभी स्कूल नहीं गए और खुद को फिल्मों में ऐसा डुबो दिया कि अपने आप को भूल गई। पिता के लिए उसने अपने प्यार तक को छोड़ दिया। एक कहानी उनकी बहुत मशहूर है दिलीप कुमार के साथ, लेकिन उनसे उनका रिश्ता टूट गया था। मधुबाला और दिलीप कुमार के इश्क की दास्तां की अक्सर चर्चा होती है। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई और मुगले आजम की शूटिंग के दौरान प्यार परवान चढ़ा। इस फिल्म में अनारकली और सलीम के किरदार में दोनों डूब गए। इस फिल्म की शूटिंग कई सालों तक चली। फिल्म के खत्म होते ही इनका रिश्ता भी खत्म हो गया। 9 सालों का प्यार और अचानक एक दूसरे से जुदा होना। मधुबाला इस रिश्ते के टूटने के बाद इस कदर बिखर गईं कि उनको संभालने में सालों लग गए। एक तरफ दिल टूटा तो दूसरी तरफ उनके दिल में छेद की बीमारी ने उनको तोड़ कर रख दिया। मधुबाला की छोटी बहन ने एक इंटरव्यू में मधुबाला का जिक्र करते हुए बताया था कि जिंदगी ने उनके साथ अजीब खेल खेला। छोटी सी उम्र में दिल में छेद था, इलाज के लिए लंदन गई तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो इतनी हिम्मत वाली थी कि वहां से कहा कि चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। वहीं भारत आने के बाद मधुबाला की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो काम करने की हालत में नहीं रही। मधुबाला के आखिरी वक्त को याद करते हुए उनकी बहन ने बताया कि मधुबाला आखिरी वक्त तक यही कहती रही कि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे और जीना है। मधुबाला को गुजरे हुए भले ही 55 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी याद आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है।